हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं प्रीति शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति शर्मा क्रिएटिव में। तो गाइस, आज बृहस्पतिवार है और मैं आज जा रही हूँ बृहस्पतिवार का उद्यापन करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ही मुझे करना है, तो मैं सोची उसका भी मैं वीडियो बना लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती हूँ मैं नहा कर, उसके बाद फिर पूजा का तैयारी करेंगे। तो मैं नहा ली हूँ, रेडी हो गई हूँ और किला का पेड़ के पास भी आ गई हूँ। आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे। बृहस्पतिवार के दिन केला का ही पेड़ का पूजा होता है, क्योंकि केला के पेड़ में बृहस्पति भगवान का वास होता है। तो अगर केला का पेड़ नहीं है आपके पास, तो आप विष्णु भगवान का फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे केला का पेड़ मिल गया, तो मैं वहाँ अपना उद्यापन का पूजा करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारा तैयारी वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर कथा कहेंगे। पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद कथा सुनाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए विष्णु भगवान का कथा का किताब है, ये जल है, अगरबत्ती, लड्डू, जनेऊ, फिर गुड़, चना दाल, फिर ये माचिस, और ये दान करने के लिए लिए हैं ब्लाउज का पीस, और ये है हल्दी, कपूर, दिया, ये चंदन है, अक्षत है, केला है, सिंदूर है, इधर फूल है, और ये दान करने के लिए कुछ पैसे हैं। तो ये सबसे पूजा भी करेंगे, और ये जो थोड़ा थोड़ा इनमें से हम पूजा के लिए रखेंगे, बाकी सब कुछ पंडित जी को दान कर देंगे। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं।
तो मेरी पूजा अब कंप्लीट हो गई है, अब मैं कथा कहूँगी। तो अगर आपको मेरा कथा का पूरा वीडियो देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका पूरा वीडियो आपको शेयर करूँ। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ। कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूँ तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। यह इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतधान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार सात बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल तीन बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
फाइनली मेरी पूजा हो गई है और मैं पंडित जी को दान भी दे दी हूँ। जो भी मैं दान के लिए सामान लाई थी वो सारा कुछ, और प्रसाद भी सबको बांट दिए हैं। जा रहे हैं चाय बना के पीने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय।